अगर एक बार इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के रेट जानना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, और यहीं पे आपको हर एक चीज़ भी बता दिया जाएगा और रेट, जैसे कि देख सकते हैं इंफ्रारेड का इंडक्शन है, जो कि अभी इंडक्शन लेना आदमी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी इंफ्रारेड ले रहे हैं। इंफ्रारेड का मतलब होता है कि सभी बर्तन इस पर काम करेगा। तो बस पूरा वीडियो देखें और सभी चीज़ के बारे में जानें। तो इसमें कुछ अप्लायंस भी हैं, कुछ होम अप्लायंस हैं, कुछ उपकरण भी हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहें, अभी हम दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको रेट भी बताएंगे कि किस उपकरण का है, किस अप्लायंस का क्या रेट है, वो भी बताएंगे। तो जैसे कि बता दें, आप एक साथ एक ही वीडियो में कई चीज़ का रेट आप देखते हैं और जान भी जाते हैं, और मेरा मकसद भी यही है कि हमेशा आपको हर एक चीज़ का रेट बताएँ और हमेशा अपडेट रखें। तो फाइनली देखते हैं अपने पास क्या क्या आ गया है और उसका रेट भी बताएंगे, और रेट भी जो बताएंगे बिल्कुल मार्केट से अलग रेट होगा, बिल्कुल सस्ता रेट होगा। और हाँ, जैसे कि मेरे दुकान का एड्रेस आप जानते हैं, राधे इलेक्ट्रिक बेलोनिया छितौनी कुशीनगर, और जो भी चीज़ के बारे में हम दिखाएंगे आपको उसके बारे में बताएंगे भी। तो ये देख सकते हैं, हुमैक्स के नाम से एक सेट बॉक्स आता है जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, DDH बॉक्स है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में चलता भी है और काफ़ी इसका लॉन्ग लाइफ होता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में 800 से 850 रुपये का होता है, लेकिन मेरे वहाँ 550 रुपये एक रेट होता है सेट बॉक्स का, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का ये सेट बॉक्स है। और इसको बता दें, A3 RC लीड है। अगर इसके मार्केट वैल्यू बात करें तो 40 से 45 रुपये का होता है, जो कि कॉपर में होता है, और ये जो DDH के पीछे लगता है 3 RC लीड वो होता है, और ये जो है ये भी 3 RC लीड ही है, सेटमी के नाम से है, एक ये ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छा है और इसका पिक्चर क्वालिटी काफ़ी शानदार होता है। अगर यहीं इसका लीड की बात करें तो लीड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मटेरियल में लीड होता है। तो अगर आप बार बार ये वाला सस्ता वाला लीड खराब होता है तो एक बार इसको ले लेना, 90-100 रुपीज़ का पड़ेगा और आपका अच्छा पिक्चर क्वालिटी और थोड़ा भी मतलब लीड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होता है इसका। और इसके बारे में जानते हैं, अडैप्टर है कि जो कि 12 वोल्ट का होता है, और एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर का होता है, और इसका कई काम होता है, यूनिवर्सल होता है। अगर इसका यूज बताएं आपको तो सेट बॉक्स, जो एडाप्टर से चलने वाला सेट बॉक्स है उसमें भी लग जाता है, फिर जो LED TV होता है जो एडाप्टर से चलता है उसमें भी लग जाता है, तो उसका कई सारे यूजेस होते हैं। और यहीं UPS की बात करें तो ये मार्केट में आपको 1000 रुपये का UPS की बैटरी है, जो कि 12 वोल्ट की है। अगर आप मेरे वहाँ से ले रहे हैं राधे इलेक्ट्रिक से, तो आपको 850 रुपये का पड़ेगा, वो भी 1 ईयर वारंटी के साथ। उसका वारंटी क्या होता है, उसका एक तरह से माने तो गारंटी ही होता है, क्योंकि बैटरी तो रिपेयर हो नहीं पाएगा, तो एक तरह से माने तो उसका गारंटी ही होता है। तो आपको एक तो फायदा होता है वीडियो मेरा देखने से कि आप क्या क्या मार्केट में है, क्या रेट का होता है, कम से कम उसके बारे में आप अपडेट हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं राणा जी के नाम से है, जो कि 150 वाट का ये है, DC कन्वर्टर है, ये 250 से 300 रुपये का होता है। जिनके वहाँ लाइट का प्रॉब्लम होता है या फिर 2-3 दिन लाइट नहीं आता है, तो बैटरी से लाइट बनाने के यूज में आते हैं। और इसके बात करें तो ये DDH का वायर है, जो कि ऊपर LNB से और नीचे DDH में जो कनेक्ट होता है यही वायर होता है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, और हाँ ठंडी में हैवी मंगाया जाता है ताकि ये टूटने का प्रॉब्लम इसमें ना हो। और इसके बारे में बात करें तो ये 6 वोल्ट की बैटरी होता है, और ये बैटरी कई जगह काम आता है, अगर अच्छा खासा टॉर्च लिए हैं आप तो टॉर्च में भी लग जाएगा, और ना वेट मशीन में भी लग जाएगा, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बैटरी होता है। और उसका प्राइस की बात करें तो 400 से 350 रुपये का होता है। हाँ, और इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, ये देख सकते हैं बूस्ट कंपनी का है, जो कि ये इंफ्रारेड है। अगर आप इंडक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इंडक्शन से बेटर होगा आप इंफ्रारेड लें। और ये देख सकते हैं सेट बॉक्स स्टैंड है, जो कि 150 से 200 रुपये का होता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टैंड होता है। जैसे कि सेट बॉक्स रखने के लिए ये स्टैंड होता है, सेट बॉक्स स्टैंड, एक तो LED स्टैंड होता है जो कि आपको 90 से 80-90 रुपये का मिल जाएगा LED स्टैंड हल्के में 24 इंची का, लेकिन ये है DDH स्टैंड।
और इसको देख सकते हैं, ये जो बोलता है वहां से हटो हटो, वहां से सामने से हटो, सुने होंगे लोग, बहुत वायरल हुआ था, इसी से वो बोला था। ये वही बोलने वाला एक तरह से बाजा होता है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, 450 रुपये का है, जो कि बहुत तगड़ा साउंड है। और ये भी सेम वही चीज़ है, और ये ओसवाल कंपनी का एक 2.1 का होम थिएटर किट होता है, जिस होम थिएटर में किट रिपेयर नहीं होता है उसको अलग से लगाने के लिए होता है, ये 250 रुपये का होता है। और ये 12 वोल्ट से ट्रांसफार्मर होता है, 12012 उसी से अपडेट होता है, काफ़ी अच्छा साउंड होता है उसका। और यही वो सेट बॉक्स है जिसके बारे में आपको बताया गया है, काफ़ी अच्छा सेट बॉक्स है वो, और प्राइस भी अगर मेरे वहाँ से ले रहे हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। और हाँ, HD में भी चलता है, मतलब फुल HD तो आपको बस HD जो पेड चैनल होता है उसी चलेगा, लेकिन ये हाँ कुछ अच्छा क्वालिटी होता है। और इसके बारे में बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के LNB होता है, पावर के नाम से है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 100 से 150 रुपये का होता है, जो कि काफ़ी अच्छी इसका पिक्चर क्वालिटी होता है, और अगर सिग्नल पकड़ाते पकड़ाते परेशान है तो बहुत ही फास्ट इससे सिग्नल भी पकड़ लेता है। चलिए इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बाद में बात करते हैं, इनपुट आउटपुट जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है। और ये जानते हैं ये ऐसा ये एडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने में काम आता है। और रही बात की मतलब इस ज़्यादा यूज क्या होता है, तो जो स्प्रे मशीन होता है तो इस स्प्रे मशीन में इसी मॉडल का चार्जर लगा रहता है, जो अक्सर किसान जो होंगे वो जानते होंगे, जिनके वहाँ मशीन होगा तो उसका ये चार्जर है। इसका प्राइस की बात करें तो लगभग 250 रुपये का होता है, जो कि उसका चार्ज मतलब चार्ज ही करता है, दूसरा काम क्या करेगा वो। और ये देख सकते हैं यूनिवर्सल LNB है, अगर इसकी बात करें तो ये 90 रुपये के अपने वहाँ होता है, मार्केट में 100 से 150 रुपये का मिलता है, लेकिन मेरे वहाँ बस ये 90 रुपये का होता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का ये भी होता है। और आप अगर पेस्ट का काम करते हैं तो देख सकते हैं ये क्विक पेस्ट है, जो कि इसका थोड़ा सा ये 20 पीस का ये पैकेट है और 15 ग्राम होता है, और MRP भी इसका बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन ये आपको 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा, जो कि पहले 10 रुपये का होता था, थोड़ा इसका कॉस्ट बढ़ा हुआ है। और ये भी होम थिएटर किट ही है, जो कि ओसवाल का ही है, देख सकते हैं। तो ये 4.1 है, और इसका मार्केट वैल्यू की बात करें तो 350 रुपये का होता है, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड होता है, और इसमें जो बेस का होता है इसमें डबल बेस IC होता है, काफ़ी तगड़ा बेस होता है इसका। और ये गारंटी वाला DDS कार्ड है, ये आपको 250 रुपये का मिल जाएगा, मार्केट में तो इसका रेट 350 रुपये का होता है, और हाँ 250 रुपये में आपको 6 मंथ का वारंटी और गारंटी दोनों भी मिल जाएगा इसका, ये DDS कार्ड का जो कार्ड होता है वो है। और बैटरी की बात करें तो देख सकते हैं MR के नाम से है, जो कि 4 वोल्ट की बैटरी है और 2.5 एम्पियर की बैटरी है, 4 वोल्ट 2.5 एम्पियर। अगर ये सोच रहे होंगे बैटरी लगता कहाँ है, तो देख सकते हैं इस मॉडल का जो अच्छा क्वालिटी रॉक लाइट 432 SUV या जो भी, इसमें 2.5 एम्पियर की बैटरी लगा रहता है, जो कि 12 और से यहाँ पर देख सकते हैं
12 हॉर्स मेंशन कर रखा है, 12 हॉर्स का बैकअप है, कंपनी बोलती है कि 12 घंटा जो बैकअप है इसी बैटरी की वजह से बोलती है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का बैटरी होता है। और ये पावर सप्लाई है DDH का, वैसे तो इससे 100-120 रुपए लिया जाता है, अगर होलसेल की बात करें तो आपको 70 रुपए का मिल जाएगा, जो कि DDH का पावर सप्लाई है। और इसके बारे में बात करें तो एक प्रकार का ये मॉड्यूल है, जिस LED टीवी में 12 वोल्ट का प्रॉब्लम होता है या 12 वोल्ट नहीं आता है उसमें ये लगाया जाता है। तो देख सकते हैं इसी PCB में लगता है, जो कि ये 32 इंची LED स्मार्ट LED टीवी होता है, जिसके में ये सप्लाई का प्रॉब्लम है, इसमें DC वोल्ट नहीं बन रहा है, तो उसके लिए वो मॉड्यूल लाया गया है। तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमेशा हम इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में बताते हैं और उसका रेट भी बताते हैं, और अपने वहाँ दो कैटेगरी पे बताया जाता है। एक तो आप रिपेयरिंग से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हैं, तो अगर छोटा मोटा फॉल्ट है तो घर पर भी देख के वीडियो सही कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। और दूसरा, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार मेरा वीडियो अगर आप देखें तो अपना पैसा बचा सकते हैं, कोई आपको ठग नहीं पाएगा और ज़्यादा पैसा भी नहीं ले पाएगा आपसे, क्योंकि अगर मेरा वीडियो देख रखे हैं। और जिनको कोई चीज़ अगर हमसे खरीदना है तो हमको मेल कर सकते हैं, उनको अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रहा है अगर खरीदना है तो मेल कर सकते हैं, आपको उस और मेल पे एड्रेस सेंड कर देंगे तो उसको भिजवा दिया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।